हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या फिर लाइनेक्स में सीएमपी कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे. बट उससे पहले आइए समझते हैं कि सीएमपी कमांड का क्या यूज़ है. तो सीएमपी कमांड जो है, सीएमपी कमांड स्टैंड्स फॉर कंपेयर कमांड. तो सी एम पी कमांड का मतलब है कंपेयर कमांड. इट इज़ यूज टू कंपेयर टू फाइल्स बाइट बाई बाइट. तो ये क्या करता है, दो फाइल्स को बाइट बाई बाइट कंपेयर करता है. इफ़ ए डिफरेंस इज फाउंड, अगर उन दो फाइल्स में कोई डिफरेंस अगर है तो इट रिपोर्ट्स द बाइट. तो ये क्या करता है, बाइट नंबर को ये डिस्प्ले कराता है और साथ ही साथ ये लाइन नंबर को भी डिस्प्ले कराता है, जहाँ पे जिस लाइन नंबर पे दोनों फाइल का कंटेंट डिफरेंट है. इफ़ नो डिफरेंस आर फाउंड, और अगर उन दोनों फाइल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न करता है क्या, नो आउटपुट, यानी कि जीरो लाइन नंबर को ये डिस्प्ले करता है. इफ यू वांट सीएमपी टू डिस्प्ले द डिफरिंग बाइट्स इन द आउटपुट, अगर आप चाहते हो कि आउटपुट में जो बाइट्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस भी ये डिस्प्ले करे, तो आप सीएमपी कमांड के साथ जो है हाइफन बी के ऑप्शन को जो है यूज करना पड़ता है. तो सीएमपी कमांड को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, इसके बाद जो है कमांड का नाम लिखेंगे सीएमपी, और इसके बाद जो है फाइल फर्स्ट एबीसी और फाइल सेकंड एक्स वाई जेड, इन दोनों को रख करके एंटर प्रेस करेंगे. तो अगर ये दोनों फाइल इक्वल है, दोनों का कंटेंट सेम है, तो ये नो आउटपुट डिस्प्ले कराएगा. और अगर इन दोनों में किसी लाइन पे कोई कंटेंट डिफरेंट है तो वो लाइन नंबर और बाइट नंबर को ये डिस्प्ले कराएगा. तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो कर लेते हैं तो ये अच्छे से समझ में आएगा. तो ये हमारा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का वर्जन है. तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले जो है फाइल को चेक करते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स हैं हमारे पास. तो ls कमांड से चेक करते हैं. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 2 3 के नीचे abc फाइल है, और राइट साइड में सबसे लास्ट में, राइट साइड में सबसे नीचे एक्स वाई जेड ये फाइल है. तो इन दोनों को कंपेयर कराना है. तो सबसे पहले ABC फाइल और XYZ फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या टाइप किया हुआ है. बट इससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं. तो ये मैंने क्लियर कर दिया और CAT कमांड को यूज़ करके ABC फाइल का कंटेंट चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या है. तो इसके अंदर अनिल, राम और राज है. CAT XYZ इसके अंदर क्या है, तो अनिल, मोहन और राज है. अब इस पे सीएमपी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, ए बी सी और XYZ और एंटर. तो ये बता रहा है, क्या बता रहा है, कि लाइन नंबर 2 पे डिफरेंस है. ABC XYZ, ABC नाम की फाइल है, XYZ नाम की फाइल है. डिफरेंस कहाँ पे है, बाइट नंबर 6 पे. बाइट 6 पे डिफरेंस है और लाइन नंबर 2 पे डिफरेंस है. तो पहली फाइल में जब हम जाते हैं एबीसी में, तो लाइन नंबर 2 पे राम है, और एक्स वाई जेड वाले फाइल में जो है सेकेंड लाइन पे, यानी कि एबीसी फाइल में सेकेंड लाइन पे जब हम जाते हैं तो सेकेंड लाइन पे राम है, और एक्स वाई जेड में जो है सेकेंड लाइन पे मोहन है. तो ये दोनों में डिफरेंस है, यानी कि राम को हटा करके आप यहाँ पे मोहन कर दो तो दोनों फाइल सेम हो जाएगी, या फिर मोहन को हटा करके यहाँ पे राम कर दो तो दोनों फाइल चेंज हो जाएगी, मतलब दोनों फाइल सेम हो जाएगी. तो राम और मोहन ये सेकेंड सेकेंड लाइन पे, ये दोनों में डिफरेंस है. तो इसी को यहाँ पे ये शो कर रहा है, लाइन नंबर 2 पे डिफरेंस है.
और बाइट सिक्स पे डिफरेंस है, तो बाइट सिक्स पे डिफरेंस है, तो अगर बाइट में डिफरेंस को क्लियरली चेक करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सी एम पी हाइफन बी का ऑप्शन रखेंगे इसके साथ, ए बी सी और एक्स वाई जेड रखेंगे, तो ये बता रहा है कि 162 जो है वो फाइल नंबर वन पे है बाइट का डिफरेंस, और फाइल नंबर टू पे 155 बाइट का है यहाँ पे। तो 162 ये जो है ए बी सी फाइल में, और 155 जो है ये एक्स वाई जेड में, इन दोनों का जो है बाइट का डिफरेंस है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से, और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अगेन जो है हमें दो फाइल लेनी है, एक सी वन फाइल और एक सी टू फाइल, और इन दोनों को कंपेयर करना है। तो चलिए इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि सी वन फाइल में क्या है, तो सी ए टी कैट सी वन एंटर, सी ए टी कैट सी टू एंटर। तो फर्स्ट फाइल सी वन में राम राज मोहन, और सेकंड फाइल सी टू में राम राज मोहन, तो ये दोनों ही फाइल बिल्कुल सेम है, दोनों का कंटेंट सेम है। तो इस केस में हमने देखा था कि अगर दोनों फाइल सेम है, दोनों फाइल का कंटेंट सेम है, तो नो डिफरेंस जो है ये डिस्प्ले कराएगा, मतलब आउटपुट में बताएगा जीरो डिफरेंस या नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको करके देखते हैं, सी एम पी और सी वन और सी टू। अब ये इसने कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, दैट मीन्स कि सी वन और सी टू ये दोनों फाइल जो है सेम है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था सी एम पी कमांड के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।